बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हतीब चौधरी और साथ तक रहे अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल कश्मीर। उम्मीद है खैरियत रहे, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान छो। अल्लाह पाक ने फजल करम नाल आज ना व्लॉग करने शुरू। माशाल्लाह सो तक ही सकने सो कि जगह बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत जगह। इस साइड पीछे भी इस साइड से चल सा और इस साइड से अपना सफ़र आगाज़ करना नीचे। और माशाल्लाह जगह इतनी प्यारी है, इसने अगर दो त्रे निके निके वाटरफॉल मौजूद हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो से उसने ना जिक्र किया सी कि वो वाटरफॉल इंशाल्लाह मैं से दसा। बाकी है कि हमारे दोस्त मानल मौजूद हैं, अपना जो इस वक्त वीडियो शूटिंग वगैरह करी दें, इन्हें को पूछने के थे क्या कुछ सीन है। बस तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और सुनो क्या आदमी है, सेहत भी है? अल्लाह का शुक्र, आपने सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, नाल सारे साथ साजिद साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब हैं, तो ये भी आखने के ऐसा भी फिरन टूर होता है। माशाल्लाह कासिद साहब का चैनल जरा बड़ा ही अच्छा जी रहा, सो लाजमी चेक करना। मैं पिछले चैनल पिछली वीडियो भी दसा सी कि लाजमी सो इंशाल्लाह इन्होंने चैनल ने विजिट करना। कासिद ब्लॉग्स इन्होंने चैनल ने नाया, बड़ा ही अच्छा ही काम करी रहे। अगर से लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ही लभी जैसी। बाकी है कि कासिद साहब चलो मैं अगर अस अपने वाटरफॉल वगैरह लाने तो माशाल्लाह सीन है वाकई बड़ा ही जबरदस्त है। वाह जी वाह, मैं ना पाकिस्तानी कोई ऐसी जगह नहीं जिथे कोई ना अच्छा काम कर। इतने जंगल जिंदा बंदा ना बंदे नहीं जात, और इतना भी तक कैसा को बेला बंदा आया जी सी इतनी मेहनत ने था ये लफ्स ऐस लिखा और सही है अपनी महारत दसी है। बड़ी डिजाइनिंग वगैरह उस की है, बड़ा ही जबरदस्त। और थोड़ा जहा अगे मैं जा थकना सा लिया कि इतना भी ना कुछ लिखे आ जिस जगह भी ना लिखे आ कुछ जी महानीप के महालीप के पता नहीं क्या कुछ लफ्ज लिखे आ इस सारा इस लफ्ज लिखे आ इशफाक और इसका भी कुछ लिखे आ जो कि इसी गया आ इस लफ्ज लिखे आ शहबाज। बड़ी गल है जी। बाकी है कि ऐसा आगे चलने हैं और अपना जरा सा वाटरफॉल है उसने तरफ और उसने व्यू वगैरह चेक करने हैं। बेसिकली एक कस है जी और इतना तो किसी पत्थर जितने भी हैं इस सब रुक रुक रूढ़ी तैश बड़े बड़े पत्थर हैं। लेकिन मसला ये होना कि ये जो पत्थर हैं ये मैं तक रूना नहीं पकया लेकिन इतना रूढ़ी जो भी वो इतना नहीं खाली जाने क्योंकि गै थोड़ा जा गया लम्बन है। बाकी है कि चलने इसने नाले नाले माशाल्लाह जी अस वापस आई गए इन्ना कराटा भी लगने जासा गया वाटरफॉल नहीं साइड वाटरफॉल है तो थोड़ा जा छोटा जहा नज़ारा कि हरा पूछना निके मरा तो थोड़ा बहुत पानी नीचे इच्छना लेकिन अगे नाल नीचे दो जो असली वाटरफॉल हैं वो इतने नीचे। रास्ता काफ़ी मुश्किल है या अल्लाह अकबर में चढ़ी गया इस कराटा ने अपने छत पर तो डर भी लगा मैं बैजे इधर बीच इसने चारे ने कोई सूरत हाल नहीं जी लेकिन यह है कि इसने जो छत है वो कुछ कुछ हाल मौजूद है। बाकी जो प्लेन कराटे उन्होंने छत को ठठे थोड़ा लेकिन इसने हाल मौजूद है। अच्छा हर कराटे ने बाहर पुड़ जरा ये लाजमी टिका वा बड़े बड़े चैड़े पुरसन जी जो कि हथा न तैयार किए इसने कराटा ने तरफ तू हो हूँ अस निकले हाँ जी अस जुले ले वाटरफॉल पर और वाटरफॉल का रास्ता बड़ा ही मुश्किल है। बस दुआ करो कि कुदर ध्यान लेकिन व्यू माशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही उसी माशाल्लाह पानी तो इतना ज्यादा साफ है यकीन जानो कि तबीयत खुश हुई है। हाँ जी सर पहुंच गया बड़ी गल है मैं ट्राई कर रहा जे टठा ना दे माशाल्लाह जी साड़ी फर्स्ट लुक है साढ़े वाटरफॉल नी और वो है ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये मिशा जी मैं पहला बंदा सा जी से वाटरफॉल दरियाफ्त किया और इसने पर वीडियो बनाने इसने आया ये बिल्कुल ही बहुत ही दिलकश क्या सोच रहे हो बिल्कुल जनाब का बहुत दिलकश मंजर है मजा आया कि नहीं ये दसो मिगी मजा आया कि नहीं सही चास आ गई है ये व्यू रिजा से एकदम सा खड़ा पहली दफा था भी तकी रहे इस तरह बहुत जबरदस्त वाटर फॉलिंग हो रही है। अच्छा एक और चीज में से दसा कि जानो थे गर्मी में नहाने ना भी अपने मजा आया बिल्कुल जनाब तक बड़ी दूरी जगह है बहुत ज्यादा नहाई सकने हो तुसा इजीली सबसे बड़ी चीज के था पानी काफी ज्यादा साफ है काफी مقدار विच भी है बिल्कुल जी बिल्कुल ये वाला
जी मेन वाटरफॉल है चौक साहिब वाटरफॉल और इस साइड ना लगे छोटी वाटरफॉल है इसने ऊपर ऊपर पानी घट है लेकिन हाइट इसनी काफी ज्यादा है काफी ज्यादा हाइट है इसनी बहुत ही आला जगह जी माशाल्लाह इस तरह अच्छा आ उतर गया जाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह है कि ये जरा वाटरफॉल है माशाल्लाह क्या बात है वाह कुदरत तेरे नज़ारे या अल्लाह पूरा लगी है माशाल्लाह जबरदस्त सीन है जी जबरदस्त सीन है इसमें आवाज़ जरा काफ़ी ज़्यादा आया इसी वजह से अगर कोई आवाज़ की प्रॉब्लम अच्छी हो जाए बाद करता लेकिन माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बड़ा ही खूबसूरत है सारे एरिए करीब तीन सब चीज खूबसूरत वाटरफॉल सीन के है भी छोटा आ लेकिन है खूबसूरत है इसी पहले तो एक और अच्छी सी दुआ का शहर वो भी माशाला बड़ी खूबसूरत है लेकिन ये भी जरा इस तरह एक अपना नज़ारा आ अपना व्यू है लेकिन सब चीज क्वालिटी गहराई काफ़ी ज़्यादा आ लेकिन इतना जो पानी है वो उस चीज ज़्यादा साफ है पानी इतना काफ़ी ज़्यादा साफ है पानी में काफ़ी जो होली रखे वाटरफॉल काफ़ी रखे लेकिन इतना साफ पानी में कदा नहीं रखे जितना उस जगह ना इस पानी ना इस हफ्ता ना जितना पानी वाटरफॉल साफ है बाकी है कि जितना बच्चे अपू दसा कि अपू कि इतना इतना उ कस है सारा लेकिन जिला इतना कां पिछड़ी है बड़ी कां पिछड़ी है काफ़ी ज़्यादा इतना खौफनाक सीन होना क्योंकि आपको पता कितना तेज पानी होना इसमें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक सीन होना क्योंकि पूरा एक कस है तो इतना ज़्यादा जाहिर सी बात है कि खतरनाक है उसी उसी ज़्यादा जो एक काम रखनी है बाकी है कि इतना घट ही तो बंदा आया घट तक है मैं सोचना कि कोई यूट्यूबर तो आए ही नहीं सारे फर्स्ट टाइम आया अलहमदुल्ला और बड़ा अच्छा लगा है बाकी का पिक्चर वगैरह भी बनासा और बाकी थोड़ी बहुत कोई वीडियो इंशाल्लाह शूट कर सकता बाकी अगर अच्छा इतना जाने हो तो इतना एड्रेस भी मैं मुकम्मल थोड़ी देर तक रही छोड़ता माशाल्लाह जी ये वाटरफॉल है और इतों वापस निकल सकता तो किसी का रास्ता कितना ख़राब है इसने प्रू मैं गुजरी तो इतना आया बाकी है कि चौक साहिब थी थोड़ा जहा नीचे अच्छो तो अगे एक जगह आ उतों अपरू खाली रोडा पर नीचे दिसना आया थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं सही दिसना अगर तुम गौर करते तक फिर दिसना आया तो इतों अगर नीचे अच्छो तो माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सीन है आपको इतना नहीं महसूस है ऐसा भी इतना नहीं महसूस किया लेकिन नीचे आया तो यकीन जानो बड़ा ही ज़बरदस्त लगा बड़ा ही अच्छा लगा आया तो उम्मीद है इंशाल्लाह तुसों की ये जरूर अच्छा लगा उसी गला मुला कुछ कौन जाना साजिद साहब क्या करने मसवाक बनाने माशाल्लाह जी जबरदस्त ये कैसनी मसवाक है गंडी रेनी कौड़ी नहीं होनी नीचे पार पर गए सामने कराटन ये लगातार त्रैन और उस साइड गए वो वाटरफॉल है जेडे के थोड़ी थोड़ी दिसनी है इस वक्त